ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स बाय ट्विंकल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नायका हॉल। नायका पे चल रहा है नवरात्रि सेल, तो मैंने वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है परचेज किए हैं, तो मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या इस टाइम पे परचेज किया है। और वीडियो में जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हो और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड सब्सक्राइब के पास में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर हिट कर देना ताकि जब जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे वीडियोस देख पाए। तो चलिए मेरे वीडियो पे लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। तो ये प्रोडक्ट जो है मेरे पास ऑलरेडी 3 शेड इसके अवेलेबल है, तो मैंने इसका 4th शेड परचेज किया है। तो ये इसका शेड है 004 कैरमल। तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, तो आप लोग पर्सनल यूज के लिए या फिर प्रोफेशनल यूज के लिए ले सकते हो। ये बिल्कुल भी केकी नहीं होता है, फेस पे लगाने के बाद केकी नहीं लगता है और बहुत अच्छा फिनिश है इसका। और इसका जो प्राइस है वो है 799, बट ये मुझे कुछ डिस्काउंट प्राइस में मिला था। तो जो भी जिस प्राइस में मैंने इसको लिया है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है अगेन फॉरएवर 52 का 4 कलर कंसीलर व्हील। ये इस तरीके का कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और इसका जो शेड है वो है AC002। इसके बहुत सारे शेड्स जो है वो अवेलेबल है, मैंने इसमें लिया है AC002। तो ये इस तरीके से 4 शेड इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो ये भी अगेन पर्सनल यूज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको कॉन्टोर के लिए भी एक दिया हुआ है एंड हाइलाइटिंग भी कर सकते हो आप, एंड 2 नेचुरल शेड्स भी दिए गए हैं। तो ये पर्सनल यूज के लिए बहुत अच्छा है। ये क्रीमी है, मैंने इसे सर्च करके देखा था, बहुत अच्छा है। तो सेकंड परचेज मेरा ये है। उसके बाद मैंने जो लिया है वो है एक कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि है मैक स्टूडियो 6। इसका जो पैकेजिंग था वो मैंने खोल दिया है क्योंकि इसको मैंने एक बार यूज कर लिया है। अभी भी मैंने अपने बेस को सेट करने के लिए ये कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज किया है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसका प्राइस प्रॉक्स 2900 में आपको मिल जाएगा ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर। इसका जो शेड है वो है NC30। तो ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है और ये मेरा सेकंड टाइम परचेज है, तो आप लोग इसे ले सकते हो। इसके बाद जो मैंने परचेज किया है वो है ये एम्ब्रॉयलिस। ये एक मॉइस्चराइजर कम प्राइमर है और ये मेरा सेकंड टाइम परचेज है और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा ही ये मॉइस्चराइजर है, तो आप लोग इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है। उसके बाद जो मैंने लिया है वो है एक फिक्सिंग स्प्रे जो कि है स्विस ब्यूटी का। मैंने इसके बारे में बहुत सारे रिव्यूज सुने हैं तो इसीलिए मैंने इसे परचेज किया है और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। ये इस टाइप के पैकेजिंग में आता है और ये बहुत ही हैंडी है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका पैकेजिंग परचेज किया। ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है क्योंकि बहुत कोई मुझे बोल रहे थे कि अफोर्डेबल रेंज में कंसीलर दिखाने के लिए, तो मैं अभी तक भी मैंने जितने भी कंसीलर्स यूज किए वो अप्रॉक्स 400 के ऊपर ही है, तो इसी वजह से मैंने इस टाइम ये वाला परचेज किया है। इसका शेड जो है वो है 02 और ये हाइलाइटिंग के लिए बहुत अच्छा शेड है। तो नेक्स्ट परचेज मेरा ये था। उसके बाद मैंने अगेन स्विस ब्यूटी का ही एक प्रोडक्ट लिया है। ये मैं लेना चाह रही थी बहुत दिनों से, तो फाइनली मैंने इस टाइम ऑर्डर कर लिया है। तो ये है, तो ये बहुत अच्छा शाइन प्रोवाइड करता है फेस पे एंड ये एक प्राइमर है, तो इसका नाम जो है वो है रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर।
ये स्किन को ब्राइट करेगा, मॉडिफाइड पोर्स, मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग। तो आपके स्किन पे नरिशमेंट एंड मॉइस्चर दोनों ही प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो है मैंने लिया है एक मॉइस्चराइजर, वो है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसका मैंने एक यूज कर लिया है एंड वो खत्म है ऑलमोस्ट, तो मैंने दूसरा ले लिया है क्योंकि बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है तो मैंने ये लिया है। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, हाइलुरोनिक एसिड, इसमें हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई है एंड ये नॉन स्टिकी है। जिनका भी ऑयली स्किन है तो आप लोग ये मॉइस्चराइजर आराम से यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर। इसके बाद फिर से मैंने एक पॉन्स का ही मॉइस्चराइजर लिया है, ये है लाइट मॉइस्चराइजर, पॉन्स लाइट मॉइस्चराइजर। तो इसे मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, इसी वजह से मैंने इसका छोटा वाला पैक लिया है क्योंकि मैं इसे देखना चाहती थी कि ये किस तरीके से काम करता है एंड अगर मुझे इसका फॉर्मूला अच्छा लगे तो मैं इसे डेफिनेटली इसका बड़ा वाला पैक भी ऑर्डर करूँगी। एंड बहुत लाइट वेट है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता स्किन पे, तो बहुत अच्छा है। अब देखना यह है कि मेकअप के अंडरनीथ ये कैसा काम करता है। उसके बाद आती है लिपस्टिक। तो इस टाइम पे मैंने टोटल फाइव लिपस्टिक्स लिए हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मैक लिपस्टिक्स। इसका जो शेड है वो है 102 डांस विथ मी। ये पिंकिश रेड आप बोल सकते हो, मैं इसे आपके सामने स्वच्छ करके दिखाती हूँ। ये पूरा पूरी रेड नहीं है, पिंकिश रेड, पिंकिश टोन है ये इसमें। तो सबसे पहले जो है मैंने ये लिपस्टिक लिया है। मैंने लिया है अगेन मैक का ही एक शेड, लिया है। इसका जो शेड है वो है 116 कार्निवोरियस। ये भी बहुत अच्छा शेड है, ये ब्राउन टोन में है और डार्क स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये है इसका स्वॉच, मैंने कर लिया है। अफोर्डेबल दो लिपस्टिक मैंने लिए हैं। सबसे पहला जो है वो मैंने लिया है मेबली न्यूयॉर्क सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक। अगेन ये बहुत अच्छा लिपस्टिक है, इसका मैंने रेड ऑलरेडी ट्राई कर लिया है तो मुझे बहुत इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा, तो इसी वजह से मैंने ये कार्निवोरियस से ही मिलता जुलता कलर है, देख सकते हो। ये है इसका स्वॉच, तो ये बहुत अच्छा लिपस्टिक है। तो आप लोग इसका भी बहुत सारा शेड आता है, आप लोगों को जो पसंद है आप लोग वो ले सकते हो। इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। उसके बाद जो सबसे अफोर्डेबल रेंज में मुझे लिपस्टिक कोई भी अच्छा लगा है तो वो है स्विस ब्यूटी लिपस्टिक। तो बहुत दिनों से मुझे ट्राई करना था क्योंकि स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक जो है बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत दिनों से था कि मैं स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक ट्राई करूँगी। बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मैं लूँ ना लूँ, क्योंकि अगर ख़राब हुआ तो, इसीलिए मैंने एक लिया है अभी। तो जितना इसका प्राइस है उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लिपस्टिक है, इसमें बहुत सारे शेड्स भी आपको मिल जाएंगे एंड ये शेड तो बहुत अच्छे जो मैंने अभी लिप पे वेयर भी किया हुआ है, बहुत अच्छा लिपस्टिक है। इसका फॉर्मूला भी बहुत 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 अच्छा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी जो भी बिगिनर्स है या फिर अफोर्डेबल रेंज में आप लोग लिपस्टिक ट्राई करना चाहते हो तो आप ये लिपस्टिक ले सकते हो, बहुत बहुत अच्छा है ये लिपस्टिक। उसके बाद मैंने एक बुलेट लिपस्टिक लिया है जो कि है फेसेस कैनेडा का। इसका जो शेड है वो है रॉयल मरून 16।
तो इस बार मैंने इतना ही परचेज किया है। तो अगर आप लोगों को मेरा नायका हॉल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड सब्सक्राइब के पास में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी जरूर हिट कर देना ताकि जब जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरा वीडियो देख पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।